For more gossips, news and videos, download the Nehre app now. वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है टेलीस्टार्स घर पर हैं क्या। जी हाँ, हमने ऐसे आपको कई सारे स्टार्स से मिलवाए हैं, बट आज जिससे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो थोड़ी अनोखी है, थोड़ी प्यारी है, क्योंकि वो है एक कॉमेडियन जो सबको हंसाती है। आइए देखते हैं कि जो कॉमेडियन पूरे दुनिया को हंसाती है वो घर पे किस तरह से रहती है, उनकी दिनचर्या कैसी है। तो चलिए उनसे मिलाते हैं। हाय जेमी, कैसे हो? हाय 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 एवरीबॉडी। ओके, सो ये है जो दुनिया को हंसाती है। आज हम उनसे जानेंगे कि वो घर पे कैसे रहती है और उनका घर कैसा है। सो वेलकम, आइए आइए। तो आई थिंक दरवाजे से आपको आइडिया मिल गया होगा थोड़ा बहुत कि इट इज़ अ वाइट हाउस, और आप देख ही सकते हैं कि कितना वाइट मेरा घर है। जब घर पे बच्चे आ जाते हैं तो ओह गॉड, कहीं ये इधर से स्क्रैच ना हो तो जाए। हम लोग वी लव एंटरटेनिंग पीपल। हम लोग हमारे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इनवाइट करते हैं घर पे, और मुझे अच्छा लगता है जब घर में बहुत सारे लोग हों, लेकिन दिल कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है जब यू नो कोई ठीक से किसी ने अगर वॉल टच कर दिया या कुछ कर दिया तो उसे थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, लेकिन वी ट्राई टू बी कूल अबाउट इट। ऑल्सो जो भी इस घर में आता है वो यही कहता है कि वाह क्या घर है, मेंटेन करना पड़ेगा आपको, बट अच्छा घर मेंटेन करना पड़ेगा। तो हाँ, हम मेंटेन कर रहे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरा घर काफ़ी खूबसूरत है, बट इसमें आपका फेवरेट प्लेस कौन सा? ये जो कुर्सी है, जैसे आपने देखा, ये एक पर्सन की कुर्सी है, सो दिस इज़ द मास्टर्स चेयर। तो इस कुर्सी पर मैं बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ ये होस्ट की कुर्सी है, तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यहाँ से टीवी का भी बहुत अच्छा व्यू है, सो जैसे आप देख सकते हैं टीवी के हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, टीवी पे हम काम भी करते हैं, तो टीवी बड़ा होना चाहिए। ये सेंटर टेबल है जो मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के पूरा मुंबई छान मारा, एंड फाइनली मुझे ये टेबल मिल गया। कोई भी टेबल किसी से टेबल से मैच नहीं होता है, हर एवरी टेबल इज़ डिफरेंट। तो ये टेबल स्टैकेबल टेबल्स हैं, वो एक डिफरेंट स्टाइल है, इसका स्टाइल बहुत ही अलग है। ये लैम्प मैंने लिया था क्योंकि मैं रियली चाहती थी कि इस तरह का लैम्प हो मेरे घर में। मैं चाहती थी कि इस वॉल पर कुछ अलग ऐसे पीस हो, वॉल पीस हो, डेकोरेशन हो। सो ये भी बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा, लेकिन फाइनली आई फाउंड दिस रियली नाइस मिरर वर्क पीस जो है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट है, बड़ा ब्यूटीफुल है। तो इससे एकदम कंप्लीट हो जाता है। एंड या आप देख सकते हैं मेरे घर में अभी तक क्रिसमस ट्री है, बिकॉज क्रिसमस हमारा फेवरेट फेस्टिवल है। यहाँ पर मेरे डैड का, मेरी मॉम का एक फ़ोटो तो होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स का एक फ़ोटो होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये प्यारा सा फ़ोटो मिल गया। इट्स आपको लगेगा कि उनकी शादी का फ़ोटो है, लेकिन ये उनके एंगेजमेंट का फ़ोटो है। ये एक प्रेयर है जो हम कहते हैं आवर फादर इन हेवन, एंड वी आर हम लोग काफ़ी प्रे करते हैं और सॉन्ग्स गॉड के लिए गाते हैं, तो दिस इज़ अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस वे अगर आप आएंगे तो ये मास्टर बेड है जो मैंने मेरे भाई को दे दिया है, और हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये मेरा बेडरूम नहीं है, आपको मैं अपने बेडरूम में ले जाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये है किचन, छोटा सा है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना साफ किचन है, कभी देखा होगा इतना साफ किचन आपने कभी कभी नहीं देखा होगा, राइट? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बनता है। हाँ, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स दूसरे फ्लैट में रहते हैं, और मेरी मॉम ने कहा कि तुम भले ही नीचे शिफ्ट हो गई हो, लेकिन खाना हम साथ में ही खाएंगे। ये थोड़ा सा डेकोरेशन हमने किया है, पेबल्स एंड कलरफुल पेबल्स एंड कांच, एंड यहाँ पर लाइट आता है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो है, सो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मेरा रूम। आई एम नर्वस क्योंकि मैंने कभी मेरा रूम किसी को नहीं दिखाया, टीवी पर नहीं दिखाया, लेकिन पहली बार सिर्फ लहरे के व्यूअर्स के लिए। दिस इज माई रूम, अगेन ग्रे वाइट ब्लू कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे पर्दे मेरे, एंड इवन द बेड शीट्स आई लाइक दीज कलर्स, बहुत ही कूल कलर्स हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमें म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसको कहते हैं ट्रेबल क्लेफ,
जो एक म्यूज़िक का नोटेशन, म्यूजिकल नोटेशन है, यहाँ से ये विंडो है तो अच्छा व्यू मिलता है मुझे। ये एक बड़ी से स्टडी टेबल है जिसमें मैंने लैपटॉप रखा हुआ है। यहाँ पर मैं मेरे शोज़ देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, कॉमेडी वीडियोस देखती हूँ और लड़कियों वाली चीज़ें देखते हैं। ये मेरा शू रैक है। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। इसमें मेरे परफ्यूम्स हैं, क्रीम्स हैं, नेल पॉलिशेस हैं और ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेकअप कहाँ है। यस, मेकअप के लिए मैंने स्पेशल इंतज़ाम किया है। प्लीज़ लुक दिस वे। ये मेरा मेकअप ड्रॉर है जहाँ मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से अरेंज कर पाऊँ। और मेरे पास एक छोटा सा स्टूल है जिस पर मैं बैठ जाती हूँ और मेरा रोज़ शो का मेकअप मैं खुद ही करती हूँ। मेरे लाइव शोज़ के लिए जो भी मेकअप होता है, आई डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर बैठ के रेडी हो जाती हूँ। वार्डरोब देखेंगे आप, देखेंगे। ओह गॉड, थोड़ा मैसी है। ये मेरे ड्रेसेस हैं, ये मेरे शर्ट्स हैं, नॉर्मल टी शर्ट्स जो मैंने ऐसे डंप कर दिए हैं। ओह गॉड, ये सब टीवी पे आएगा, नहीं। तो या दिस इज माई बेसिक वाला कबर्ड। इस कबर्ड में अगर आप देखेंगे तो मेरे शोज़ के सारे जैकेट्स हैं, सूट्स हैं। आई नो ये मैंने एक बार टीवी पर पहना था। ये मैंने स्पेशल कोट बनवाया है फ्रॉम अ डिज़ाइनर, क्योंकि मैं यूजुअली यू नो वेरी वेस्टर्न टाइप कोट्स पहनती हूँ, बट मैं चाहती थी कोई इंडियन फैब्रिक में कोट हो, तो मैंने ये स्पेशली बनवाया था। आई सेड लेट्स ट्राई समथिंग। या ये मेरे सारे शोज़ के जैकेट्स हैं। कैप है, बिकॉज आई लव वेयरिंग कैप्स। आई थिंक कैप्स बहुत ज़्यादा कूल दिखते हैं, तो आई लव वेयरिंग कैप्स। ये मेरा कैप है एंड देयर इज अनदर कैप एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो, जो मैंने कोशिश की है कि मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँ। लेकिन ये सब टीवी पे आएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं थोड़ा सा मैसी हूँ। हाँ, ये मेरी सारी ज्वेलरी है, इंडियन ज्वेलरी एंड वेस्टर्न ज्वेलरी यहाँ पर है, मेरी इयररिंग्स एंड वॉट नॉट। ये मेरा नया घर है और बहुत कम ही लोग यहाँ पर आए हैं और ये टीवी पर तो किसी ने देखा नहीं है, तो पहली बार लहरे के ज़रिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि मेरा घर कैसे दिखता है एंड स्पेशली माई रूम। हाँ, मेरे रूम में आपको एंट्री मिली है, सिर्फ और सिर्फ आपको। सो आई होप यू लाइक्ड इट। और या दिस इज़ माई होम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होम।